आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कोरोना के मरीज लगातार बेड न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, जिसके चलते अब सरकार अगले 2 हफ्ते में एक नया स्थायी अस्पताल शुरू करने जा रही है। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर बन रहे अस्पताल में 900 बेड होंगे। गुजरात सरकारी अस्पताल डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार कर रही है। यह अस्पताल गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर के जीएमडीसी ग्राउंड पर बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 900 बेड वाले इस कोविड अस्पताल में 150 आईसीयू बेड और 150 वेंटिलेटर होंगे। साथ ही सभी 900 बेड में ऑक्सीजन की सुविधा होगी। इसके अलावा अगर आगे जरूरत पड़ती है तो इसमें 500 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं। इस अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे मशीन की सुविधा भी होगी। अस्पताल में इंटेंसिव और क्रिटिकल केयर की भी फैसिलिटी होगी। यहां मरीजों के टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा भी होगी। अस्पताल में मरीजों, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों के खाने की सुविधा भी की जाएगी। सरकार ने हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रमुख सचिव अंजू शर्मा को इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर हिमांशु पांड्या और डीआरडीओ के कर्नल बी चौबे समेत कई सरकारी अधिकारी इस अस्पताल को तैयार करने में मदद कर रहे हैं। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वर्जेशन हॉल के अंदर 900 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। यहाँ के प्रशासन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 दिन के भीतर ही इसी एग्जीबिशन के अंदर 900 बेड का ऑक्सीजन बेड के साथ अस्पताल बनाया जाएगा और यह अस्पताल डीआरडीओ के सहयोग से बनाया जाएगा, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो सहयोग होगा उसके साथ मिलकर के पूरा 900 बेड का अस्पताल अहमदाबाद में सिर्फ 18 से 20 दिन के भीतर बनाया जाएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से अहमदाबाद में कोरोना की केस ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है और पिछले कुछ दिनों के अहमदाबाद के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे एम्बुलेंस की जिस तरह से कतार लगी हुई है, हर एक पेशेंट को एम्बुलेंस के भीतर हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 5 से 6 घंटे का वेटिंग करना पड़ता है। और सिर्फ अस्पताल के बाहर नहीं, बल्कि अगर आप सरकारी एम्बुलेंस बुलाते हो 108 तो एम्बुलेंस में भी आपको तकरीबन बिना कोई समय दिए हुए सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि जब एम्बुलेंस फ्री होगी तब पहुंचेगी, लेकिन कब फ्री होगी ये आपको नहीं बताया जाता है। अस्पताल की यहाँ पे परिस्थिति इस तरह से हो चुकी है कि यहाँ के सभी सरकारी अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं कोरोना केस के कारण, जिसके चलते यहाँ के प्रशासन ने फैसला लिया है कि सिर्फ 18 से 20 दिन के भीतर अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर स्थित यूनिवर्सिटी कन्वर्जेशन हॉल के अंदर ही 900 बेड का अस्पताल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके कारण अहमदाबाद में अब कुल कोरोना बेड की संख्या, अस्पताल की बेड की संख्या जो 10,000 से भी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि कोरोना केस में किस तरह से कमी आती है, सरकार किस तरह से और प्रयासों को बढ़ाती है जिसके कारण अहमदाबाद में कोरोना के केस में कमी आ सके और अहमदाबाद की परिस्थिति को पहले जैसा सुधारा जा सके। कैमरामैन विपुल मोलाड़िया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़ अहमदाबाद।